नमस्कार, डीजीआना न्यूज़ में मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख खबरों पर। मंदसौर में किसान आंदोलन के चलते पुलिस की गोली से मारे गए किसानों को लेकर कांग्रेस ने शहर की नाना खेड़ी गल्ला मंडी में मृत किसानों की श्रद्धांजलि हिंदी रीति रिवाजों के साथ उनका श्राद्ध मनाया। इस दौरान मंडी में इकट्ठा हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ किसान भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। मंदसौर में जो भारतीय जनता पार्टी के शासन की नीतियों के चलते 6 किसान शहीद हुए हैं, उन 6 किसानों की आत्मा की शांति के लिए हम सब गुना मंडी में आकर के ये सीधा लेकर के आए, जिसमें यहाँ के क्षेत्र के जो किसान अंचलों से आए हुए हैं वे सब इसे हाथ लगा करके अपनी श्रद्धांजलि उन 6 किसानों की आत्मा की शांति के लिए दे रहे हैं जिनकी नशन सत्या शिवराज सिंह की सरकार ने की है। और इसके अलावा हम सब अपनी भावनाएं भी इस माध्यम से मध्य प्रदेश की सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि अब शिवराज सिंह जी को एक भी मिनट तक मध्य प्रदेश की सत्ता पर रहने का हक नहीं है। उन्हें गद्दी छोड़ करके आगामी बचे कुछ समय के लिए किसी और व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी की ओर से शासन करने का मौका दे देना चाहिए। इसी के साथ आज हम यहाँ आए तो हमारे पास किसानों के बड़े प्रश्न आए, जो कॉमन प्रश्न ये थे कि कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जिस समय धरने पर बैठे थे उन्होंने एक बात कही थी कि जब तक प्रदेश में शांति नहीं होगी मैं उपवास करूँगा। कल उन्होंने कहा कि प्रदेश में शांति हो गई है और वो उपवास पे से 24 घंटे भी ना बैठ पाए और उठ गए। हमारा उनसे प्रश्न यही है कि क्या वे कल क्षेत्र के सांसद और कांग्रेस के मुख्य सचेतक श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अब मंदसौर जाने से तो नहीं रोकेंगे, क्योंकि उनके कथानुसार अब जब मध्य प्रदेश में शांति हो गई है तो शांति होने के बाद तो मंदसौर में जाने से रोकना नहीं चाहिए, और यदि शांति की आड़ में वो रोकने का प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की उस परंपरा का पालन करेंगे जो सदैव झूठ बोलने की हो, चाहे वो 15 लाख रुपए की हो, चाहे फसल पे 50% अधिक मुनाफा देने की हो, चाहे 1200 रुपए में बिजली देने की हो, निरंतर एक श्रृंखला है भारतीय जनता पार्टी की। शायद वो या तो उस श्रृंखला का पालन करेंगे, और वो श्रृंखला का पालन करेंगे तो उन्हें निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश भर में और तीव्र आंदोलन को झेलना पड़ेगा। कॉलेज में एडमिशन का पहला चरण समाप्त हो चुका है। इस पहले चरण में कुछ ही छात्र प्रवेश ले पाए, जबकि प्रदेश के अन्य हिस्सों में किसान आंदोलन के चलते सर्वर डाउन रहा, जिससे भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुए। इसी को लेकर छात्र संगठन ABVP ने कॉलेज में प्रदर्शन किया और प्राचार्य की गैर मौजूदगी पर भी नाराजगी जताई। भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा पूरे प्रदेश लेवल में ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें 25 मई से 10 जून तक के लिए वेरिफिकेशन होना था, जिसमें 3 जून से वेरिफिकेशन इन लोगों ने स्टार्ट किया है, और उसी में मध्य प्रदेश में किसान संघ का आंदोलन चल रहा था, जिसके कारण उज्जैन संभाग के सभी जिलों में नेट बंद कर दिए गए थे, जिसके कारण छात्रों को प्रथम चरण में जो वेरिफिकेशन करवाना था वो नहीं हो पाया है, और इसके कारण उनको दूसरी चरण में वेरिफिकेशन करवाया तो उसमें अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है, जिसमें छात्रों की कोई गलती नहीं है। उसी को लेकर आज विद्यार्थी परिषद ज्ञापन देने आई थी, किंतु महाविद्यालय के ना तो प्राचार्य उपस्थित हैं ना प्रभारी प्राचार्य अभी तक ज्ञापन लेने आए। ये बहुत निंदा की बात है, यहाँ पर एडमिशन चल रहे हैं, माननीय प्राचार्य महोदय यहाँ पे उपस्थित नहीं है, कल लंबे दिनों से छुट्टी पे चल रहे हैं, किंतु अभी तक ज्ञापन लेने कोई नहीं आया है। इसलिए हम चाहते हैं और ऐसे प्रिंसिपल का हम निंदा करते हैं कि ऐसे प्रिंसिपल से ना होना ही अच्छा, इससे अच्छे प्रभारी प्राचार्य को परमानेंट प्रिंसिपल की उपाधि दे दो ना, जब अगर प्रिंसिपल साहब उपस्थित नहीं हो सकते, इसलिए आप विद्यार्थी परिषद यहाँ पर धरने पर बैठिए, अगर जब तक हमारी मांग पूरा नहीं किया तो हम उग्र आंदोलन के लिए बात होंगे। कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए संगठन सपाक्स ने कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर धरना दिया, जिसमें इससे जुड़े कर्मचारियों का कहना था कि सरकार 25% से प्यार और 75% का बहिष्कार कर रही है, उसे हमारी भावनाओं को समझना होगा नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। इन कर्मचारियों ने सभी संगठनों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। रिकॉर्ड बनाया है,
सरकार ने जो भी लक्ष्य हमें दिया है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने रिकॉर्ड बनाया है। हमारे सपाक्ष भाई दिन रात का मेहनत करके ऐसी स्थिति पैदा करते हैं कि सरकार को किसी भी प्रकार की चुनौती न मिले, लेकिन जब हमें चुनौती देने के लिए आपने सोच लिया है तो हम भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, हम भी अपनी आहुति देने के लिए तैयार। समाज एकत्रित होकर मंच से आगाह कर रहा है सरकार को कि निश्चित रूप से यदि आप लोगों की यही हमारे विरुद्ध धारणाएं रही तो आने वाले 18 में सरकार को ये पछतावा होगा कि यदि हम सपाक्ष वालों की बात मान लेते तो बेहतर होता। आज उन्होंने जो अजाक्ष और सपाक्ष में जो विरोधाभास पैदा किया है ये सरकार की एक घृणित चाल है, क्योंकि वोट बैंक की खातिर उन्होंने ये सब किया है। निश्चित रूप से जब सपाक्ष अगर अठान लेगी तो अपने कैंडिडेटों को सब जगह पूरे मध्य प्रदेश में खड़ा करेगी और निश्चित रूप से इसका खामियाजा शिवराज सिंह सरकार को भुगतना होगा। सपाक्ष एक ऐसी संस्था है जिसमें हम आरक्षण के विरोध में पदोन्नति में आरक्षण के विरोध में हम इसका विरोध करते हैं और इसमें सभी सामाजिक संस्थाएं व कर्मचारी और सभी जुड़े हुए हैं और जो संविधान में हमारा जो याचिका चल रही है उसका हम लोग समर्थन कर रहे हैं कि हमारे पक्ष में फैसला हो। सपाक्ष समाज शासकीय सेवा में पदोन्नति में आरक्षण के विरोध में धिक्कार दिवस मना रहा है। आज धिक्कार दिवस के रूप में आज के दिन शासन के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी शासन ने अपनी हठधर्मिता से पदोन्नति में आरक्षण के नियम को लागू रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इसको जबरदस्ती खींच रखा है। शासन की नीतियों के गलत नीतियों के विरोध में हम लोग आज धिक्कार दिवस मना रहे हैं। जिला पंचायत के सभा कक्ष में कलेक्टर राजेश जैन ने जिले भर के अधिकारियों की बैठक ली। इसके बाद जिले के जनपद सीईओ एसडीएम के साथ बैठक में उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जा रहे प्रधानमंत्री आवास और शौचालय निर्माण की स्थिति का भी जायजा लिया। कितने गांव में? 109 गांव में, बाकी में भी करवा लीजिए, सुनिश्चित कर लीजिए, मैं चेक करूंगा जाके। दादो 25,240 हो गए हैं। छात्र संगठन डीएसओ ने कॉलेज के प्राचार्य के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग करते हुए बताया कि पहले चरण के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है जिसमें बड़ी संख्या में छात्र हिस्सा नहीं ले पाए, अब दूसरे चरण में उनके फाइन के रूप में अलग से शुल्क लिया जाना है जिसे हटाया जाना चाहिए। ऑल इंडिया डीएसओ के द्वारा पीजी कॉलेज के प्राचार्य को ज्ञापन दिया गया है कि अभी मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो एडमिशन किए जा रहे हैं उसकी 10 तारीख लास्ट थी और वो समाप्त हो चुकी है, मगर अभी ऑनलाइन की प्रक्रिया के चलते कई सारे सर्वर डाउन चल रहे हैं जिसके चक्कर में कई सारे बच्चों का अभी एडमिशन नहीं हो पाया है। अगर वो सेकेंड राउंड में करेंगे तो 250 रुपये लगेंगे और थर्ड राउंड में करेंगे तो 500 रुपये रहेंगे। छात्र संगठन और ऑल इंडिया डीएसओ का कहना है कि ये जो फीस है ये शासन ने गलत निर्धारित की है, क्योंकि अगर नहीं हो पा रहे तो ऑनलाइन प्रणाली के कारण एडमिशन नहीं हो पा रहा है, इसमें 500 रुपये और 250 रुपये दोबारा नहीं लगना चाहिए। दूसरा एक और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अभी हमारे कॉलेज में एलएलबी कॉलेज जो है उसमें 1 तारीख से एडमिशन प्रक्रिया शुरू है और 15 तारीख को पहला प्रथम चरण समाप्त है, लेकिन आज 12 तारीख हो गई है, 12 दिन हो चुके हैं, अभी एलएलबी डिपार्टमेंट में एक भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। उसकी जो मान्यता है उन्होंने रद्द कर दी है, बोला जा रहा है कि उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए हैं और कई सारे बच्चों का एक का भी अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है। हम लोग मांग कर रहे हैं क्योंकि 15 तारीख लास्ट है, 2 दिन हमारे पास है, अगर नहीं हो पाए तो कई सारे जो छात्र एलएलबी करना चाहते हैं वो छात्रों को एलएलबी नहीं कर पाएंगे। तो हमारी मांग है कि जल्द से जल्द एलएलबी का रजिस्ट्रेशन कराया जाए, जो छात्र एलएलबी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको तुरंत एडमिशन दिया जाए। इस बार भी प्याज बम्पर आवक के चलते किसानों को रुला सकती थी, लेकिन किसान आंदोलन के बाद अब सरकार किसानों के मामलों में कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। इसी के चलते सरकार ने किसानों से 8 रुपये किलो प्याज खरीद कर उन्हें लोगों को 2 रुपये किलो में देगी। इसी के चलते
29,000 क्विंटल प्याज गुना के वेयर हाउस में पहुंच चुकी है, जो राशन की दुकानों में 2 रुपए किलो लोगों को दी जाएगी। शासन द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार उज्जैन से गुना जिले में 29,000 क्विंटल प्याज लाई जा रही है और इसको उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से 2 रुपये प्रति किलो की दर से प्रति परिवार 10 किलो के मान से वितरण कराया जाना है। तो सर ये प्याज हर किसी को मिल जाएगी कि राशन कार्ड द्वारा? अभी शासन निर्देश है कि उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से प्याज का वितरण किया जाएगा और चूँकि प्याज की मात्रा काफ़ी अधिक है, इसलिए यदि कोई आम उपभोक्ता मिलना चाहता है तो 2 रुपये किलो की दर से प्याज प्राप्त कर सकता है। जिला पंचायत के सभा कक्ष में सामान्य सभा की बैठक रखी गई, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष अर्चना चौहान के तीखे देवर देखने को मिले। उन्होंने आदिम जाति कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा की और 8 वर्षों के विकास कार्यों का हिसाब मांगा। वहीं काम में लापरवाही बरतने पर गुना जनपद CEO को नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए। विश्व बाल श्रम दिवस पर विशेष किशोर इकाई परेड ग्राउंड से एक रथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसे ASP सत्येंद्र सिंह तोमर ने हरी झंडी दिखाई। यह रथ क्षेत्र में प्रचार प्रसार करेगा, जबकि शहर में अनेक ऐसे स्थान हैं जहां आज भी नाबालिग काम करते हुए देखे जा सकते हैं। अब देखना यह है कि इसे रोकने में यह रथ कितना कामयाब होगा। मंदसौर में हुई घटना के बाद किसानों को अपने पक्ष में हर कोई पार्टी करना चाहती है। अब तक कांग्रेस ही किसानों को लेकर चिंता में थी, तो अब समाजवादी पार्टी भी इनके पक्ष में आ गई है और प्रदर्शन किया, साथ ही भाजपा सरकार का पुतला भी जलाया। आज के लिए बस इतना ही। कल ताज़ा तरीन खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।